सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दी खास सुर्खियां ते। दिल्ली में राष्ट्रीय जमहूरी गठजोड़ यानी कि NDA वालों मीटिंग का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 38 सियासी पार्टियों के नुमाइंदे हुए एकत्र। बेंगलुरु में विरोधी दलों वालों बैठक का आयोजन। 26 सियासी पार्टियों ने अपने गठजोड़ का नाम इंडिया रखा। भाजपा मोदी विरुद्ध मुहिम की की शुरुआत। पंजाब के लोक संपर्क मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने समाणा हल्के के वख-वख पिंडां विच लिया हड़ां दे नुकसान का जायजा। लोगों दीआं सुणीआं मुश्किलां, हर संभव मदद का दिता भरोसा। हुण खबरां विस्तार नाल। 2024 दीआं लोक सभा चोणां विच विरोधी गठजोड़ इंडिया का मुकाबला करन लई ते इक सांझी रणनीति बनाउण लई राष्ट्रीय जमहूरी गठजोड़ NDA ने भी मीटिंग की है। इस मीटिंग में कुल 38 सियासी पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में NDA की मीटिंग तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट राही कहा कि साडा समा परख्या गठजोड़ है जो राष्ट्रीय तरक्की अगे वधाउण ते खेतरी आकांक्षावां नूं पूरा करन दी कोशिश करता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संयुक्त विरोधी दलों की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कांग्रेस समेत कुल 26 दलों के नेता शामिल हुए। मीटिंग में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि UPA का नाम बदल दिया गया। हुण इसका नाम इंडियन नैशनल डिवेलपमेंटल इनकलूसिव अलायंस कर दिया गया। इसका ऐलान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्हें भी ऐलान किया कि इंडिया की अगली मीटिंग मुंबई में होगी। खड़गे ने कहा कि इंडिया की 11 मैंबरी कमेटी का छेती गठन होगा। साढ़े नाल राष्ट्रीय पद्धर दी 26 पार्टियां ने लोक सभा चोणों के मद्देनज़र बेंगलुरु में भाजपा खिलाफ रणनीति बनाने में लगियां विरोधी पार्टियों की बैठक हुई है। इस विच कांग्रेस संसदीय दल की मुखी सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस आगू राहुल गांधी, NCP मुखी शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के मुखी अखिलेश यादव समेत कुछ होर नेतावान ने शिरकत की। मंच पे मौजूद सभी मुख्यमंत्रीगण और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहां पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी, पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए,
ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। पंजाब दे सूचना ते लोक संपर्क मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने समाणा हलके दे हड़ प्रभावित पिंडां दा दौरा कीता। सरकारी अमले नाल पिंड वजीदपुर जाला, बिशनपुर छन्ना, कौरजीवाला, कल्याण, उच्चा गांव, इंद्रपुरा समेत वक्ख वक्ख पिंडां दे दौरे दौरान कैबिनेट मंत्री ने हड़ां कारण होए फसलां ते माली नुकसान समेत होर बुनियादी ढांचे नूं पुज्जे नुकसान दा जायजा लिया। चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने निजी तौर उत्ते प्रभावित खेतरां दा जायजा लैंदिआं हड़ां कारण लोगों दरपेश असल चुनौतियों बारे जानने लिए पिंड वासियों नाल गलबात की। जिक्रयोग है कि इन हड़ां ने खड़ियां फसलों, पशुओं ते घरों नूं काफ़ी नुकसान पहुँचाया जिस नाल लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अपने दौरे दौरान जोड़ा माजरा ने प्रभावित पिंड वासियों नाल हमदर्दी का प्रगटावा किया अते पंजाब सरकार वालों पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिता है। चांदपुरा बन नेड़े घग्गर विच पए पाड़ नूं बंद करन लई पंजाब अते हरियाणा दीआं दोनों सरकारां दी सहमति नाल फौज दे इंजीनियरां ने जंगी पद्धर उत्ते काम शुरू कीता। इस दे बंद होण नाल बुढलाडा हलके दे बाकी पिंडां दा नुकसान होण तों बचा हो जाएगा। इन्हां विचारां दा प्रगटावा विधायक बुढलाडा प्रिंसीपल श्री बोधराम ने हड़ प्रभावित पिंडां दा दौरा करन मौके कीता। उन्हां कहा कि हड़ां दी कुदरती आफत दौरान प्रभावित पिंडां विच लोकां दी हर पक्ष तों मदद कीती जा रही है। लोगों का जानी माली नुकसान ना हो इसके लिए जिला प्रशासन और भारतीय सेना दीआं टीमां दिन रात तैनात ने अते प्रभावित लोगों हर प्रकार की राहत मुहैया करवाई जा रही है। बुढलाडा के इलाका निवासियों, थोड़ी राहत की खबर यह है कि हरियाणा सरकार वालों जो परसों का पंजाब सरकार का दिशा निर्देश मुताबिक सारे डीसी साहब ऋषिपाल जी, प्रमोद सिंगला जी, साढ़े एस डी बुढलाडा, एस सी साहब इरीगेशन डिपार्टमेंट के वकील साहब, असी कल सारा दिन इसे काम से रहे कि सानू हरियाणा सरकार वालों यह परमिशन मिल जाए कि असं बन बना सकी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एस पी की कमान हेठ उत्ते पुलिस बैठा रखी है, तो धारा 147 डाल के जिस करके उत्ते कोई भी जरा बन बनाने का कामकार है वो शुरू नहीं हो रहा है। तो मैं भी कल प्रशासन वालों असी साढ़े प्रिंसल सैकटरी बिंदु प्रसाद जी ने गल की, कृष्ण कुमार जी आई एस जो साढ़े इरीगेशन के प्रिंसल सैकटरी ने उन्होंने गलबात की, उन्होंने कल चिट्ठी लिखी उन्होंने कल टैक्स से भी ज़्यादा बन तुम बना के दो सू हरियाणा सरकार बना के देवे जा फिर सूँ परमिशन दे दो। तो बड़ी खुशी की गल है कि अज हौने हौनी मैं खबर पता लगी है कि परमिशन मिल चुकी है। अच्छी गल है, इस गल का असं धन्यवाद भी करते हैं भावें लेट नहीं मिली। कलकत्ता निवासी IHA फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर सतनाम सिंह आलूवाले वालों पंजाब में सुल्तानपुर लोधी के नाल लगते हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया ते हड़ प्रभावित लोगों नूं सुक्का राशन ते पीण वाला पानी वंडिया गया। कलकत्ते तो खास सेवा करन लई अमृतसर पहुंचे डॉक्टर सतनाम सिंह आलूवाले ने पत्रकारों नाल गलबात की। उन्हें कहा कि हड़ प्रभावित लोगों नूं सुक्का राशन, पीण वाला पानी मुहैया करवाया जा रहा है ते जल्द मैडिकल सेवावां दा भी प्रबंध किया जाएगा। उन्हें वख-वख समाज सेवी संस्थावों अपील की कि हड़ां दी मार चल रहे पंजाब दे लोकां दी मदद करन। IHA फाउंडेशन कलकत्ते वालों असी कलकत्ते तो अपनी टीम लेके आए हैं जिहड़ा पंजाब दे झड़ आए हैं जिहड़े विलेज और पिंड सारे डुबे हुए हैं उन्हां दी सेवा वास्ते असी जिहड़ा राशन, ड्राई राशन, पानी, होर भी जिहड़ी चीज़ां दी लोड़ है वो सारे इकट्ठी करके असी लेके आए हैं। और असी जिहड़ा फरदर जिहड़ा मेडिकल टीमां ते नाल मेडिसिन्स वगैरह जिहड़ी लोड़ है वो भी असी अरेंज कर रहे हाँ। साड़ी हाथ जोड़ के सरकार और डिफरेंट जिहड़े जिन्ने NGOs है होर जिहड़ियां संस्था है अगे वध के जिहड़ा हाथ अपना बणान और यह मदद का अपना जिहड़ा हैगा करन। श्रोमणी अकाली दल के मुख बुलारे ते साबका सिक्ख्या मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा अज नूरपुर बेदी हलके के पिंडां दे दौरे ते पहुंचे जिथे उन्हां हड़ां दी मार कारण होए फसलां दे नुकसान दा जायजा लिया। इस उपरंत उन्हां पिंड समानपुर विच पार्टी वर्करां नाल मीटिंग करन उपरंत पत्रकारां नाल गलबात की। डॉक्टर चीमा ने कहा कि सरकार हड़ां नाल नुकसानियां फसलों का मुआवजा जल्द देवे।
जेडे रोपड़ विधान सभा के नूरपुर बेदी इलाके के वक् वक् पिंड जे बहुत बार साहबान उन्होंने वक् वक् पिंड मीटिंग करके तो जो पिछले दिन हड़ा का नुकसान होया उसके संबंध में सारा लिखा जोखा किया। एक तो यह है कि फसलों का बहुत वड्डा नुकसान सारे पंजाब दे विच भी होया और इत्थे भी बहुत वड्डा होया। कुछ पिंडां दे विच घरां दे विच पानी वड़न दे करके घरां दे भी समान का काफ़ी नुकसान होया। एक साढ़े खड्ड पठलौर दे विच एक 40 कु साल का व्यक्ति जिहड़ा ढिग डिगण दे नाल थले आ के वह भी एक बड़ी दर्दनाक मौत जिहड़ी आ उह होई आ। लेकिन एक वड्डी चीज़ जिहड़ी सारे पासे देखण नूं मिलदी है कि पानी का बहाव तेज होण करके खेतों की मिट्टी जिहड़ी आ उह उच्चे खेतों चों रुड़ के ते थले होण करके बड़े वड्डे टोए पै गए। खेत अगों वाहुण दे काबल नहीं रह गए उदों इन्नी तेजी दे नाल क्योंकि कंढी का पहाड़ी इलाका इन्नी तेजी नाल पानी चलता है भी खेतों के बड़े वड्डे पहाड़ पै गए और मिट्टी रुड़ के थले जिहड़ी आ वो दूजिया के खेतों के हेठा नदियों नालों के चली। मैं सरकार को बेनती करदा कि जिथे गिरदावरी करा के सारियां मुआवजा देने की लोड़ है उत्थे जिहड़ी वड्डी समस्या कंढी एरिया दे विच है मिट्टी की तो किसानों छोट देनी चाहिए है कि वह लागो चागो जितों भी मिट्टी मिलती है वह अपने खेत पद्धरे कर सकन क्योंकि अगली फसल ता ही बीजी जा सकनी है जे खेत उन्होंने जोड़े है वह पद्धरे हो सकते। पिछले दिन पंजाब मचाई भारी तबाही दौरान हड़ां दी आने वाले सूबे के पहले पिंड हल्लूवाल वासी राजसी लारां तो काफ़ी खफा ने। राजसी पार्टियों के आगू पिंड के हालात जानने लिए पहुँच तक कर रहे हैं पर फोके लारां तो इलावा उन्हां दी बांह अजे तक किसी ने नहीं फड़ी। पिंड विच हड़ां दौरान काफ़ी परिवार प्रभावित हुए ने जिन्हां कोल खाण पीण अते रहण दा समान समेत कपड़े तक भी नहीं बचे। पिंड विच सत्ताधारी पार्टी के दूजी कतार दे ते विरोधी पार्टियों के मंत्री तक पहुंचे ने परंतु लोगों को लारे ही मिले ने जिस तो बाद दुखी हुए पिंड वासियों ने पिंड के बाहर पिंड का नाम हल्लूवाल तो बदल के हल्लूवाल टापू रख दिता ता जो राजसी लोगों के कन्ना उत्ते जू सरक सके। मतलब होंगे भी जो कोई भी देश वा जो समुद्र के टापू का नाम जो दिता जाता जो साढ़े इतने चो आ पानी आता सा पिंड शहर लिंक जो तकरीबन सारा खत्म हो जाता है असं बाहर नहीं जा सकते इस करके ये सरकार ने दस्या भी असं अपने आप को टापू के रेंदे महसूस करते हैं भी हल्लू वाले एक टापू आ। क्यों लिखना पाया थानू लिखना इस करके सर भी साडा जो किसी लिख ना किसी पिंड के ना शहर के ना कोई सानू आ सकता जिस तरह उदों साढ़े हड़ आया यह महाराज की कृपा रही है भी कोई इदा का इंसीडेंट जो नहीं है जेकर कोई साडा बीमार हो जाता सट चोट हो जाती तो असं उसको किदा इलाज के लिए बाहर लैके जाते। राजसी लीडर सारिया पार्टिया के आई है किसी ने कोई सहायता सहायता नहीं जी बस आँदे आ जिहड़ी चीज़ की लोड़ वा सानू दस दे हड़ आया घर पानी बढ़िया सब कुछ हड़ गया ठीक है थोड़ा पता है खाने वाली चीज़ों की लड़ आ कुछ लंगर लैके आओ लगन वैसे अक्सर वोटा पाँदे नुमाइंदे चुनते हैं तो किसी ने कुछ नहीं जी लिया। पंजाब के वित्त योजना आबकारी कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दसिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई में पंजाब सरकार ने आज़ादी घुलाटियों की पेनशन 9,400 रुपए प्रति महीने तो वधा के 11,000 रुपए प्रति महीना करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि फैसला 1 अगस्त 2023 तो लागू होगा। यह जानकारी देंदिया वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दसिया कि आज़ादी घुलाटियों की पेनशन में वाधा करने संबंधी स्वतंत्रता संग्रामी भलाई विभाग तो प्राप्त तजवीज़ उत्ते विचार करदे वित्त विभाग वालों इस कार्य लई लोड़ींदे सालाना के बजट में प्रवानगी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले नाल 545 लाभपात्री जिन्हां विच खुद आजादी घुलाटिए मृतक आजादी घुलाटियां दीआं विधवावां जां फिर अणव्याहे ते बेरोजगार लड़कियां ते लड़के शामिल ने नूं सीधे तौर उत्ते फायदा होवेगा। जिला पटियाला की धी कनिका हूजा डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुने जाने वधाई दी है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी ने पटियाला की धी प्रतिभाशाली नौजवान क्रिकेटर कनिका हूजा चीन में होने वाली आगामी एशियाई खेडों भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुने जाने वधाई दी है। उन्होंने कनिका का मूँह मिठा करवाते हुए उन्होंने पटियाला दड़कियों चानण मनारा दसिया। RCB की नुमाइंदगी करने वाली महिला प्रीमियर लीग की एक उगी खिडारन पटियाला वासी सुरेंद्र कुमार की धी कनिका हूजा पंजाब महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी है।
वह पटियाला क्रिकेट हब अकैडमी में कोच कमल संधू तो 2013 तो कोचिंग प्राप्त कर रही है। इस मौके दोवें भी डिप्टी कमिश्नर मिलने पहुंचे हुए सन। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਪਟਿਆਲਿਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ 'ਚ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁਣੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿਚਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੱਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਔਫਿਸਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਗਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡੱਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
कोई किसी किस्म का साडा इतने कोई लैन देन सीटा का कितने नहीं होएगा, असं इंडिपेंडेंट लड़ांगे इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अमृतसर शहर में हाईटैक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते अमृतसर पुलिस कमिश्नर नगर निगम कमिश्नर वालों इस काम में काफ़ी तेजी लिया जा रही है। अमृतसर तो संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला इस कंट्रोल रूम का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने मीडिया नाल भी गलबात की, उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे अपराध और ट्रैफिक को कंट्रोल करने लिए गुरु नगरी में 1168 के करीब कैमरे वक्त थावों पर लगाए जा रहे हैं। औजला ने कहा कि 700 के करीब कैमरे शहर में लग चुके हैं, बाकी कैमरे जल्द लगाए जाएंगे। अज म्यूनसिपल कारपोरेशन के जरा ऑफिस विजिट की है और मीटिंग की है कमिश्नर साहब और साढ़े पुलिस के जोड़े आला अधिकारी ने उद्च मैं दसना चाहना कि जोड़ा समार्ट सिटी के तहत इतने कैमरा इंस्टॉल हो रहे हैं अमृतसर के मुतलक जानकारी ली है, जोड़िया मुश्किल ने उन्होंने हल किमें करना और कि जल्दी असी वो सारा कुछ इंस्टॉल करके और वर्केबल बना सकते वो बारे मीटिंग डिटेल हुई है। और 1168 कैमरे जो टोटल लगने ने जिन्हां दे विच 409 जिहड़े चौंक है वो कवर किए जाएंगे चौराहों दे विच और ये लाइव होणगे सारे। इन्हां दे विच कह सकते हैं कि 384 के करीब पेंडिंग रह गए ने और जिन्हां जो 241 के करीब लाइव ने और 50 कैमरा होणगे जिहड़े बॉडी डिटेक्ट करनगे, 10 जिहड़े LED स्क्रीन होणगे जिन्हां दी आउटपुट कोई भी इन्हां ने देनी होगी शहर की कुछ समाज नूं लै के कोई गलबात करनी होगी, कुछ समाज सुधारां नूं लै के गलबात करनी होगी जां कोई अजिंह चीज़ों को लैके ये सारा वो दस ने। और पब्लिक अलर्ट सिस्टम जोड़ा वो 50 चौंकों के होएगा, किसी वेले कोई अलर्ट ही आ जाता है कोई भूचाल की जानकारी देनी पैंती है जो ट्रैफिक समस्या बढ़ जाती है कोई चौंक कोई एरिया बंद करना पैंता है वो सारा कुछ ये आ जाता है। और ये इंटैलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी होएगा जोड़ा कि ट्रैफिक किन्नी चौंक के किसी वेले एक जगह पर ट्रैफिक ज़्यादा होंगी है तो लाइट दूसरी जगह ज़्यादा मिल जाती है फिर जिन्नी ट्रैफिक जितनी होगी उसके मुताबिक ऑटोमैटिक लाइट जी है बद घट समा अपने आप कर लेगी। और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट जी है वो कौन जा रहा किमें जो उन्हें रैड लाइट जंप की है रैड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम वो भी वेद ही होगा। और एमरजेंसी कॉल बटन होने जिते किसी लोड़ है किसी वेले किसी कोई चीज़ नहीं लगती फोन नहीं चलता कोई बाई चांस हैल्थ की प्रॉब्लम आ गई जां कोई उन्होंने क्राइम वेख लिया कोई दसना है कोई उन्होंने मुश्किल पेश आ गई तो उत्थे जाके बटन दब सकते 10 जगह पर वह बटन होणगे और उत्थे ऑटोमैटिकली जिहड़ा ICCC बनया है जिहड़ा कारपोरेशन दे विच उत्थे वह अपने आप जानकारी पहुँच जाएगी। इहदे नाल एयर क्वालिटी जंक्शन 7 जिहड़े बनाए गए ने उहदे नाल इह पता लग सकेगा एयर क्वालिटी की है, ये इत्थे भी होएगा और ये स्क्रीनिंग हर जंक्शन के उत्ते शहर च भी लगियां होणगियां। और वाटर क्वालिटी सिस्टम भी ये पता लगना है कि वाटर क्वालिटी जी है वो जोड़े जोड़े भी साढ़े STPs लगे ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने वो वाकई ठीक काम कर रहे हैं। उस दे नाल GPS सिस्टम हर सिस्टम के जिहड़ियां कारपोरेशन के नाल संबंधित गड्डिया ने कोई भी चीज़ वो लगा होएगा ताकि पता चल सके कि काम ठीक हो रहा है। नाल दी नाल क्राइम नूं घट कराउण वास्ते जिहड़े फेस डिटेक्टिव सिस्टम है जिवें कोई क्रिमिनल बंदे ने उन्हां दी जानकारी इतने मुहैया होएगी तो पता लग जाएगा कि जो कोई इतने एंटर होंगे है जां कोई। PPS अधिकारी सरदार मनजीत सिंह ढेसी ने फाजिलका के SSP वजों अहुदा संभाल लिया, चार्ज संभालने तो पहले उन्होंने पुलिस टुकड़ी वालों गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अहुदा संभालने उपरंत उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था की जानकारी लेने लिए पुलिस अधिकारियों नाल मीटिंग की। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदे SSP मनजीत सिंह ढेसी ने कहा कि वह जिले में अमन और कानून की स्थिति मजबूत करने लिए तनदेही नाल काम करनगे। मैं अच्छी हुणी मेरी कल ऑर्डर हुई सी जी, हुण मैं चार्ज संभालिया हैगा और गवर्नमेंट दी जिहड़ियां टॉप प्रायोरिटीज हैगियां वो हैगियां एंटी ड्रग जिहड़ी कंपेन चल रही पहलां तो जी उहदे उत्ते सख्ती नाल जिहड़ा पहलां ही पुलिस काम कर रही है कोशिश करांगे कि असीं उहदे विच उहनूं आपां क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैगा पंजाब दा उहदे विच आपां अच्छे तरीके नाल जिहड़ा हैगा ड्रग्स नूं नत्थ पा सकीए। सैकेंडली हैगा जी करप्शन, तो करप्शन फ्री कोशिश करिए असी कि असी अपने डिस्ट्रिक्ट दे विच यही जिहड़ा हैगा वो साडा रहूगा मेन मुद्दा दो ही चीज़ों का कि साडी जिहड़ा हैगा डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा वो करप्शन फ्री काम करन जिहड़ी साडी मुलाजम हैगे और
लोगों असी वध तो वध कोशिश करांगे इंसाफ देने। जलंधर में बीती रात तकरीबन 11:30 बजे कुछ नौजवान ने मोहल्ला गोविंदगढ़ में केबल ऑपरेटर सागर के घर में दाखिल होकर उस उत्ते तेजधार हथियारों नाल हमला कर दिता। हमलावरों तो अपना बचाव करने लई पीड़ित सागर ने भी अपने लाइसेंसी रिवालवर तो 2 राउंड फायर किए, जिसके डरों हमलावर मौके तो फरार हो गए। हमले दौरान कुल 3 व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जिन्होंने निजी हस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस वालों मामले की जांच की जा रही है। अज दोपहर ममदोट में बिजली घर के सामने ममदोट फिरोजपुर सड़क उत्ते जा रहे मोटरसाइकिल सवार उत्ते अचानक स्पाइथे का एक वड्डा टहन टुट के डिग पिया, जिस कारण मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि नाल खड़े 2 होर नौजवान के मामूली सट्टां लगियां ने। मृतक की पहचान चिमन लाल वजों हुई है। पुलिस ने उसकी लाश नूं कब्जे में लेके कार्रवाई शुरू कर दी है। जलंधर सेंट्रल इलाके में आउंदे दुकानदारों ने सीवरेज जाम होने ते गंदगी तो दुखी होकर प्रशासन प्रति अपने गुस्से का इजहार किया। कपड़ा मार्केट एसोसीएशन के मैंबर ते दुकानदार अमरजीत सिंह अरुण कुमार ने कहा कि वह तकरीबन 1-2 महीनों तो सीवरेज जाम ते गंदगी की समस्या नाल जूझ रहे हैं, पर इसका कोई हल नहीं कढ़िया गया। दूजे पासे विधायक रामना अरोड़ा के पुत्र राजन अरोड़ा ने कहा कि लोगों दी समस्याओं का हल कढ़िया जा रहा है, अगों भी इस थां उत्ते सफाई करवाई जाएगी। पुलिस थाना अजनाला के मुख्य अफसर इंस्पैक्टर मुख्तार सिंह वालों चमैरी पिंड में चलाए गए ऑपरेशन दौरान 1 किलो हैरन, 1 पिस्टल, 8 जिंदा राउंड और 2 मोटरसाइकिल समेत 4 व्यक्तियों काबू किया गया। इस संबंधी सब डिवीजन अजनाला के DSP बलजिंदर सिंह चाहल और मुख्य अफसर इंस्पैक्टर मुख्तार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पिंड चमैरी में चलाए गए एक ऑपरेशन दौरान सुखदयाल सिंह को 315 ग्राम हैरन, 1 पिस्टल, 32 बोर, 8 जिंदा राउंड बरामद किए गए। इस ही उस को एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। हरपाल सिंह को 287 ग्राम हैरन, 1 बुलट मोटरसाइकिल, दविंदर सिंह को 310 ग्राम हैरन, सरवण सिंह गोला को 88 ग्राम हैरन बरामद करके दोषियों को मौके तो गिरफ्तार किया गया। एक कंबाइंड साड़ी सब डिवीजन प्लस हैडक्वार्टर की फोर्स लैके असी अज पिंड चमैरी जी सू काफ़ी देर तो इनफॉर्मेशन दी, सू शिकायत आ रही कि उत्तर दशे का काम चलता। अब मानयोग SSP साहब ने सू हदायत की भी इतना रेड करो, तो असं अच्छ सवेरे अर्ली मॉर्निंग इन्हों SPD साहब SPBA साहब ने नाल लैके सू रेड की उत्थे, तो उत्थे एक सू सुखदयाल सिंह उर्फ सुखा पुत्र जसबीर सिंह चमैरी तो ये को 315 ग्राम हैरोइन, 1 पिस्टल, 32 बोर, 8 जिंदा रौंद, 1 मोटरसाइकिल पैशन ये बरामद होया। ये मुकदमा नंबर 143 अज की 3 तरीक 1-61-85 NDPS एक्ट 25-56 आर्म्स एक्ट ये दर्ज किया। दूसरा इसे पिंड का हरपाल सिंह उर्फ भाला पुत्र सतनाम सिंह वासी चमैरी, ये को 287 ग्राम हैरोइन, 1 बुलट मोटरसाइकिल बरामद होया। तो दूसरा दविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह वासी चमैरी, ये तो 310 ग्राम हैरोइन ये बरामद हुई है ये चमैरी तो। तीसरा मुकदमा हैगा जी मुकदमा नंबर 145, वह है सरवण सिंह उर्फ गोला पुत्र गुरदेव सिंह वासी चमैरी, ये को 88 ग्राम हैरोइन बरामद हुई है। ये कुल बरामदगी है 1 किलो हैरोइन, 1 पिस्टल, 32 बोर, 8 राउंड जिंदा, 1 मोटरसाइकिल बुलट, 1 मोटरसाइकिल पैशन ये बरामद हुए। अच्छ इदा असी सारे मुलजमान के केस रजिस्टर कर दिते आ, मानयोग अदालत में पेश करके इन्होंने अगर रिमांड लैके अमृतसर दिहाती के पुलिस थाना लोपोके के अधीन आउंदे पिंड ख्याला छेड़न तो एक्साइज विभाग के पंजाब पुलिस की सांझी कार्रवाई दौरान 1650 लीटर लवारस लहण बरामद की गई, जिसनों नष्ट कर दिया गया। इंस्पैक्टर मैडम राजविंदर कौर गिल ने दस कि एक होर मामले में 825 बोतल शराब और 2580 लीटर लहण से 2 चालू भट्ठियां बरामद की गई। उन्होंने कहा कि 4 घरों में रेड की गई, जिन्हों 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकियों की भाल लई छापेमारी की जा रही है। सुरेंद्रजीत सिंह पाल साबका चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर प्रधान केस संभाल प्रचार संस्था वालों सरदार तरलोचन सिंह साबका राज्यसभा मैंबर नूं शाने खालसा अवार्ड भेट किया गया। इस मौके सरदार तरलोचन सिंह ने सम्मान लई उन्हां दा धन्नवाद किया।
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।